आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन जीएस के अंतर्गत भारत का संविधान, जिसमें उच्चतम व उच्च न्यायालय के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथन बताइए। उसके अंतर्गत है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित किया गया था। मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 10 थी। ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो भारत को जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 1950 में स्थापित किया गया था, इसलिए केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमादेश रीट उपलब्ध है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, एक न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए आदेश देना जब उसने इसे अभ्यास करने के लिए मना कर दिया हो, एक सार्वजनिक अधिकारी को निर्देश देना कि वह ऐसा कानून लागू ना करे जो असंवैधानिक हो। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक और दो सही हैं, केवल दो और तीन सही हैं, केवल एक और तीन सही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रमोशन के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त कर सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त की गई है? ऑप्शन है, 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा और 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। तो लास्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। अनुसूचित जाति और जनजाति को 77वां संविधान संशोधन द्वारा प्रमोशन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, महान्यायवादी पद के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे एक्स के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो या किसी वाई में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, जहां एक्स और वाई क्रमशः विनिर्दिष्ट करता है। ऑप्शन है, ए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, बी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो महान्यायवादी जो है एक्स के जगह आ जाएगा उच्च न्यायालय और वाई में भी आ जाएगा उच्च न्यायालय, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिसूचना जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की योग्यता नहीं है? ऑप्शन है, उन्हें 10 वर्षों के लिए लगातार उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ए और बी दोनों गलत है, उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। प्रश्न में पूछा गया है, नियुक्त करने की योग्यता नहीं है। तो इस स्थिति में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, ये गलत है। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की
अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125। तो उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 के तहत है और इसी के द्वारा आयु का निर्धारण किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई को लाइव टेलीकास्ट करने की अनुमति प्रदान की गई है? ऑप्शन है श्रेया सिंघल वाद, केशवानंद वाद, विशाखा सिंह वाद, स्नेहिल त्रिपाठी वाद। तो इसका राइट आंसर है स्नेहिल त्रिपाठी वाद। अगला सवाल, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, यह किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 222 और अनुच्छेद 225। तो अभिलेखी न्यायालय के लिए जो है अनुच्छेद 215 का प्रावधान है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके स्थान पर हुई है? ऑप्शन है सक्रेट कोर्ट ऑफ अपील, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, हाउस ऑफ अपील, हाउस ऑफ लॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है सर्किट ऑफ अपील। अगला सवाल, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना का दोषी करार दिया गया है? ऑप्शन है प्रसून जोशी, प्रकाश जावड़ेकर, हरिकिशन पांडे, प्रशांत भूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत भूषण को अवमानना घोषित किया गया है। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी। ऑप्शन है केवल उच्चतम न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत पर प्रतिबंध रहेगा, भारत के सभी उच्च न्यायालयों में मनाही होगी, संबंधित उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है। तो उच्च न्यायालय को जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वह उसी न्यायालय में काम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित उच्च न्यायालय में जिसे वह सेवानिवृत्त हुआ है वहां उसे काम करने की अनुमति नहीं होगी। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में बहुमत से निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अधिकारों का प्रयोग करके मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है? ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद, गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद। तो मूलभूत अधिकारों में जो संशोधन नहीं कर सकती वह है गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद के तहत। अगला सवाल देखते हैं, एक बार आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का नागरिक अधिकार उनके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निहित है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आपातकाल की घोषणा प्रवर्तनों के लिए निहित है, यह जो प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम पद्धति का उद्भव द्वितीय न्यायाधीश मामले में हुआ था। ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों गलत। तो इसका राइट आंसर है दोनों सही हैं। अगला सवाल है, सही कथन की पुष्टि करें। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 7 थी,
इस समय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। ऑप्शन हैं, दोनों सही हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों गलत है। तो केवल दो सही हैं, इस समय न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अगला सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले में अपील की जा सकती है? सिविल और आपराधिक मामले, आपराधिक और संवैधानिक मामले, सिविल आपराधिक और संवैधानिक मामले, संवैधानिक और आपराधिक मामले। तो सर्वोच्च न्यायालय में सिविल आपराधिक और संवैधानिक मामलों से संबंधित विषयों में अपील की जा सकती है। अगला सवाल, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे देश के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? ऑप्शन हैं 45, 46, 47 या फिर 48। तो अरविंद बोबडे जो हैं 47th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। अगला सवाल, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय की ओर से अभ्यावेदन द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, संसदीय अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है, संसदीय अधिनियम द्वारा भारत के न्यायाधीशों में वृद्धि की जा सकती है। अगला सवाल, अप्रैल 1973 में वरिष्ठता क्रम की अपेक्षा करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? ऑप्शन है अजीत नाथ रे, एच आर खन्ना, के एस हेगड़े, एम एच बे। तो अजीत नाथ रे को ही इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, भारत के पास वर्तमान में कोई अधिग्रहित राज्य नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली को 1992 से राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इनमें से जो गलत आंसर है वो है डी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मद्रास उच्च न्यायालय अधिकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अगला सवाल, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है? ऑप्शन है ट्राई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ट्राई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, केवल ट्राई में या फिर केवल सुप्रीम कोर्ट में? तो TDSAT जो मामले हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण के संबंध में सही कथन होगा। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की सलाह से किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। दूसरा है, न्यायाधीशों के स्थानांतरण की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों गलत है। इसमें पूछा है सही कथन होगा, तो हम पहला और दूसरा दोनों गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार होगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल सभी उच्च न्यायालयों में, भारत के सभी न्यायालयों में, केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अधिकरण में? तो इसका राइट आंसर है, भारत का महान्यायवादी जो है भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? ऑप्शन है 127, 126, 129 और 130। तो इसका राइट आंसर है 129 के तहत
प्रलेख न्यायालय घोषित कर सकता है। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में, किसी भी फौजदारी अदालत में। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है? तो इसका आंसर है, जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। अगला सवाल, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कौन सा रिट जारी किया जाता है जो किसी कार्य को करने के लिए किसी प्राधिकार को मजबूर करने के लिए मजबूर करता है कि वह प्रदर्शन नहीं कर रहा है? इसका ऑप्शन है निषेध, अधिकार प्रेक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर परमादेश। तो उच्चतम या उच्च न्यायालय जो है परमादेश जारी कर सकता है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, राष्ट्रपति के संदर्भ को कम से कम 7 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो इन दोनों में से सही कथन क्या है? हमारे ऑप्शन हैं केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो केवल एक ही सही है, फर्स्ट आंसर सही है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उच्चतम न्यायालय को। मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। अगला सवाल, सीडी वाधवा बनाम भारत संघ वाद में कहा गया है कि अध्यादेश में राष्ट्रपति की संतुष्टि पर न्यायालय द्वारा असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे हैं। ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। अगला सवाल, केवल उसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए जिसने दुर्लभ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 30 वाद के तहत उक्त प्रावधान किया है, फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इसका ऑप्शन है श्रेया सिंघल, बच्चन सिंह वाद, स्नेहिल त्रिपाठी वाद, राजनारायण वाद। ऐसा प्रावधान जो है बच्चन सिंह वाद के तहत प्रावधान किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, उच्चतम न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार निम्न में से किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता? केंद्र व किसी राज्य के बीच विवाद, दो राज्यों के निवासियों के बीच विवाद, दो राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र एवं दो राज्यों के मध्य विवाद। इसका जो राइट आंसर है, दो राज्यों की निवासियों के बीच के विवाद। अगला सवाल देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा सवाल है, उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा का कार्य तब करते हैं जब, ऑप्शन राष्ट्रपति उन्हें आदेश देते हैं, संसद उन्हें कोई अधिनियम सौंपती है, न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, कोई मुकदमा न्यायालय के समक्ष आता है। तो न्यायिक समीक्षा जो है तब होता है जब कोई मुकदमा न्यायालय के समक्ष आता है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कथन है सेवानिवृत्त
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकते। अस्थायी अवधि के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया सकता है। इसके लिए ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो केवल दो सही इसका राइट आंसर है, क्योंकि सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कहीं भी कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला सवाल, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? ऑप्शन है राज्य सरकार के, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, या फिर राज्यपाल के। तो जिला न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। अगला सवाल, लोकसभा के किसी भी सदस्य पर दल बदल लगाए जाने पर निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष। तो दल बदल का जो निर्णय है यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना है? 19(1)(c) के तहत, 19(2) के तहत, 19(1)(a) के तहत, 19(3) के तहत। तो इसका राइट आंसर है 19(1)(a) के तहत इसको मूल अधिकार माना गया है। अगला सवाल, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ऑप्शन है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका जो राइट आंसर है, मतलब गलत प्रश्न है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 है, यही हमारा गलत आंसर है। अगला सवाल, संवैधानिक उपचार किसके द्वारा जारी किए जा सकते हैं? ये अनुच्छेद 32 के तहत आता है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, भारत के सभी न्यायालय और संसद। तो इसका जो राइट आंसर है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही संवैधानिक उपचार को लागू कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय संवैधानिक उपचार जारी कर सकता है। अगला सवाल, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है क्योंकि इसने कार्यपालिका के आदेश को दरकिनार कर दिया, उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। केशवानंद भारती केस संविधान का सबसे महत्वपूर्ण केस था, इसके अंतर्गत संविधान की मूल विशेषताओं का प्रावधान किया गया है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल सही कथन है, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार के क्रियान्वयन के अलावा अन्य आदेशों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी कर सकता है? हमारे ऑप्शन हैं केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, केवल दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। तो जो दोनों गलत है हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा, यह कौन से अनुच्छेद उपबंध करता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 140। तो यह अनुच्छेद 141 के अंतर्गत आता है। अगला, बेरुवाड़ी एन
इनक्लेव के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है, विधि का शासन संविधान का हिस्सा है, उद्देशी का संविधान का हिस्सा है, उद्देशी का संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरुबाड़ी यूनियन वाद के तहत संविधान में जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है। लेकिन बाद के वाद में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचक मंडल, निर्वाचन आयोग या फिर संसद। तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में ही राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी मामला भेजा जाता है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णयन किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन है सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या फिर रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है मूल अधिकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का जो निपटारा करता है वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए, भारत का संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है। कोई भी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को कोई निर्देश नहीं दे सकता है। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों गलत है या फिर दोनों सही हैं। तो ये जो कथन दिए हैं दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है लोकल कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, विशेष न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल, राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मामलों का निपटारा कौन करता है। ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, लोकसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होता है वो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का दायरा भारत की तुलना में कम है। ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों गलत है। न्यायिक समीक्षा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और यह भारत की तुलना में बराबरी रखता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय द्वारा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया है। वामन राव, एस सी मेहता, एस आर बोम्मई, इंदिरा साहनी वाद। तो इसका जो राइट आंसर है इंदिरा साहनी के तहत 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।